तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंप्लीट एमआई सॉरी इसका पेस्ट स्पेशल के बारे में। हमने कल के दिन में पेस्ट स्पेशल कुछ चीजें के बारे में जाना था, आज उसी में के कुछ कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे, और जहां तक मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेस्ट एज ए पिक्चर की, तो पेस्ट एज ए पिक्चर का इस्तेमाल क्यों होता है, पहली चीज को जानिए। पेस्ट जे पिक्चर का इस्तेमाल होता है कि जब हम एक बड़े से डेटा को एक छोटे से एरिया में दिखाना चाहते हैं, जैसे ये बड़ा डेटा आपका दिख रहा है, इसको छोटे से एरिया में मुझे दिखाना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पेस्ट एज ए पिक्चर। पेस्ट एज ए पिक्चर करने के बाद क्या होता है कि हम इसको अपने हिसाब से इसको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछेंगे सर छोटा तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि आप रोल नंबर को छोटा किया, तो चलो ठीक है आपको यहाँ पे कम डेटा है, लेकिन हो सकता है इसके नीचे कोई बड़ा डेटा हो, छोटा करने पे वो भी इफेक्टेड हो जाए, और छोटा हम करेंगे तो पूरा कॉलन होगा, लेकिन इसको अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहे कर सकते हैं या जितना बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं पिक्चर को। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जब आपका ये आपका तभी करोगे जब आपके पास कोई डेटा कोई रिपोर्ट आप वन टाइम बना रहे हो, नेक्स्ट टाइम वो रिपोर्ट नहीं बनाना, या फिर डेली बेसिस में आपको रिपोर्ट बनाने में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में अगर आप चाहते हो कि डेली बेसिस ना करना पड़े, तो पिक्चर के जगह पे पिक्चर लिंक कर दीजिए। पिक्चर लिंक करने से क्या होगा कि वो डेटा से कनेक्टेड हो जाएगा। अब डेटा को चेंज होगा तो वो भी अपने आप को चेंज करेगा, जैसे चेंज किया तो ये भी अपने आप को चेंज करेगा। अगर इस पे अगर हम कोई ये डालें कलर चेंज करते हैं या कोई फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, तो ये भी अपने आप को फॉर्मेटिंग चेंज करेगा। और ये सेम सीट पे ही नहीं, अनोदर शीट अनोदर फाइल पे भी कर सकते हो, और अनोदर जैसे कि एप्लीकेशन जैसे कि एमएस वर्ड या पावर पॉइंट या आउटलुक, इस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे चलिए बताता हूँ आपको। जो वर्ड पे करना है तो हमने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल किया, और यहाँ पेस्ट एज ए लिंक में हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कोड ऑब्जेक्ट लेके ओके कर दिया, ये लिंक हो गया। ठीक है, अब कल के डेट में यहाँ चेंज होगा, जैसे यहाँ पे कुछ भी चेंज हुआ तो आपका यहाँ भी चेंज हो जाएगा सेम। उसी तरह से अगर आपके पास पावर पॉइंट है, मान लीजिए आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वहां पे भी आप इसको कर सकते हैं कि हम इसको हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कोड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो भी आपका लिंक हो जाता है उससे। लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग आउटलुक में। अब क्या होता था कि हमारे पास एक डेटा होता करता था, मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक डेटा होता था, उस डेटा पे हम लोग क्या करते, मेरा समरी होता था डेटा का, मतलब कि जब हम सेल्स में काम करते थे तो 25 तारीख के बाद हमारा क्लोजिंग स्टार्ट हो जाता था, तो हमारे बॉस को हर घंटे सेल्स की अपडेट चाहिए होती थी हर घंटे, ताकि वो उनके इनके वाइज क्या बोलते हैं प्रोडक्ट वाइज और कस्ट सेल्स ऑफिसर वाइज चाहिए होता है, ताकि जिसकी परफॉर्मेंस लो है उनको उनके ऊपर फोर्स कर सके, उनके ऊपर दबाव बना सके कि वो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाए, तो वो हर घंटे चाहिए होता था उनको। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि हर घंटे मुझे उनको एक सेल्स डेटा को समरी बना के भेजना होता था। तो डेटा तो हमारा पेज था किसी सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता था, और हम समरी फॉर्मूले बना रखे थे। मेन प्रॉब्लम आता था कि आउटलुक को खोल के मेल कंपोज करके मेल आईडी और सब्जेक्ट वगैरह डाल के फिर उसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं मेल वर्डी पे रिपोर्ट को पेस्ट करके भेजना एक प्रॉब्लम होता था। हर घंटे इसके लिए मुझे माने कि 5-10 मिनट का टाइम लग जाता था, और हम भूल भी जाते थे। तो उसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही हमारा समरी है जो हम इससे बात कर रहे थे,
मान लीजिए कि यही मेरा समरी है, मुझे इसी को हर घंटे मेरा फॉर्मूले से अपडेट होता है और हर घंटे मुझे मेल करना है। तो हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम एक न्यू मेल को कंपोज किए। कंपोज करने के बाद हम यहाँ पेस्ट में पेस्ट एज ए स्पेशल में पिक्चर पेस्ट एज ए लिंक और इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया, राइट। और हम यहाँ पे अपना जो मेल आईडी इसको भेजना है वो मेल आईडी डाल देते हैं, सीसी में सब्जेक्ट डाल देते हैं और बाकी जो कुछ और लिखना है तो लिख देते हैं। और इसको हम सेंड पे क्लिक नहीं करते, हम इसको फाइल में जाते हैं और इसको सेव एज कर देते हैं, सेव एज। और यहां पे माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट आउटलुक टेम्पलेट ले लेते हैं। और इसको सेव कर देते हैं। अब क्या होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम मेल करना होगा तो मुझे आउटलुक खोल के मेल कंपोज करने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और ये हमारा ओपन हो जाएगा और सब कुछ डला हुआ होगा इसमें। और जैसे मैं इसको राइट क्लिक, अगर मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि अपडेट आपका ना हो, इस पे तो अपडेट हो जाता है, यहां पे डालिए, देखिए ये आपका अपडेट हो गया, हो गया। अगर नहीं हुआ तो राइट क्लिक करके जस्ट आपको अपडेट लिंक करना है और आपको सेंड कर देना है, सेंड कर दिए। फिर अगले दिन अगले मान लो एक घंटे बाद फिर अगेन ओपन और अपडेट कीजिए और भेज दीजिए, ओपन अपडेट कीजिए भेज दीजिए। आपको मेल आई डालना, कॉपी पेस्ट करना, ऐसी चीजें आपको नहीं करना पड़ेगा। समझ आया सर? हेलो, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी चीज बताई आपने, आज ही आज से इम्प्लीमेंट होने वाला है। हाँ, तो ये हम लोग खासकर यूज करते थे जो समरी वगैरह, एक ही फाइल को अगर मेल बॉडी में पेस्ट करके हमको बराबर भेजना है तो हम इस चीज का इस्तेमाल करते थे सर। इट विल बी हेल्पफुल फॉर माय डेली बेसिस जॉब नाउ। ओके, अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट की। आपके पास मान लीजिए कि एक फाइल है, उसमें कई सारे शीट्स है, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया, मान लीजिए जैन से लेके एक डेटा, छोटा सा डेटा बना रहा हूं मैं, देखिए ये भी आपके लिए बहुत अच्छा चीज है ये भी। और इसको आगे चल के वीवीए में इसको हम ऑटोमेट करेंगे सर, इसलिए सेमी ऑटोमेट आपको यहां मैं बता रहा हूं और फुल्ली ऑटोमेट हम वीवीए में बताएंगे। इसको कॉपी करके हम इसको कई साइट पे पेस्ट कर देते हैं, तीन या तीन से ज्यादा, चार पांच पेस्ट कर देते हैं। अब एक चीज और यहाँ देखिए, अब मुझे दिख रहा है आपको सर यह फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, पांचों शीट में लगा हुआ है सर। अब मुझे पांचों शीट के फॉर्मूला को रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले शीट पे जाएंगे, कॉपी करेंगे और फिर इसके ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे, फॉर्मूला रिमूव होगा। तो ऐसे आपको पांच बार करना है एवरी सीट पे, 15 या 15-20 में जितना सीट है उतना करना पड़ेगा। लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं कि आप पहले सीट पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करें, सारा सीट सिलेक्ट हो जाएगा, ऊपर ग्रुप हो जाएगा, हो गया ना सर। अब पहले आप कॉपी कीजिए और इसके ऊपर वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, आप देखेंगे आपके हर सीट पे वो पेस्ट एज ए वैल्यू हो जाएगा एक ही बार में, हो गया। एक चीज यहाँ पे और सीखने को मिली आपको, बिल्कुल, बट इसमें रो और कॉलम सेम होना चाहिए ना, तो है सर, ठीक है। अब दूसरा इसमें आता है कि मुझे इस सारे डेटा को कुलेट करना है, तो कुलेट करने के लिए क्या करते हैं आप, इसको कॉपी करते हैं, डेटा में जाएंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, फिर दूसरे सीट पे जाएंगे, डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर डेटा शीट में सबसे नीचे आएंगे और फिर पेस्ट करेंगे। और इसी प्रोसीजर को हम सारे सीट के लिए अपनाएंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, सीट पे आना है, फिर सबसे लास्ट वाले सेल पे जाके पेस्ट करना है, ये प्रोसेस है। अब मैं ये तो इसको ऑटोमेट तो नहीं कर सकता, लेकिन इसको हम
50% आपको हम काम ऑटोमेट कर सकते हैं, 50%। कैसे? आपको कॉपी करने से पहले यहाँ क्लिपबोर्ड के आगे ये ऑप्शन दिख रहा है एरर के निशान, इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए एंड आप कॉपी कीजिए, कॉपी अगले शीट पे गए, कॉपी, बस आपको शीट पे जाना है, कॉपी करना, पेस्ट नहीं करना है, समझे? आप सिर्फ उसको कॉपी करते चले जाइए। यहाँ देखिए एक बार में 24 को कॉपी कर सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे 5 of 24 हो गया ना। अब मुझे जहां पेस्ट करना है वहां पे जाइए और यहाँ पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हो गया सर? ठीक है, एक दूसरे के नीचे पेस्ट हो गया। ओके, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपने कितना कॉपी किया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि जब 10-20 कॉपी करना होता है तो होता है क्या है कि कोई एक दो बार कॉपी हो जाता है और एक जो है ऐसा हो सकता है कि वो मतलब कि कोई छूट जाता है, तो दोनों का ट्रैक कर सकते। अब मान लीजिए कि आपने एक ही चीज को दो बार कॉपी कर लिया, यहाँ पे देखिए, सॉरी, मान लीजिए कि आपने एक ही चीज को दो बार कॉपी कर लिया, मान लीजिए मैं इसको 5 को दो बार कॉपी कर लेता हूँ, तो देखिए क्लिप बोर्ड में कोई हलचल नहीं होगा, नहीं हुआ ना सर? आपका डुप्लीकेट कॉपी होगा ही नहीं। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है ना? पांच बार ही पेस्ट हुआ है सर। तो इसका बेनिफिट, और सिर्फ एक्सेल पे ही काम नहीं करता है सर, अगर मान लीजिए किसी अलग साइट पे या इंटरनेट पे या आउटलुक पे कहीं भी आप इसको यूज करोगे, आपने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया तो यहां देखिए कॉपी ऐड हो जाएगा। ओके, इसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिशियल लाइफ में कर सकते हो। बस पहले क्लिपबोर्ड एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम कॉपी करते रहे। हाँ हाँ, दूसरा, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा और फॉर्मेटिंग कर दिया ना सर। अब मुझे सेम फॉर्मेट कहीं पे चाहिए होता है तो क्या तरीका है? पहला तरीका है कि आप इसको राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यू और पेस्ट एज ए फॉर्मेट करेंगे, और दूसरा तरीका है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर को, जो हमारा फॉर्मेट प्रिंटर है इसको ऑन करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर से ऑन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक बार में एक ही हो रहा है, मुझे कई सारे जगहों पे करना है तो उतना बड़ा मुझे इस पे जाना पड़ता है। तो यहां पे आप एक काम कर सकते हैं कि डबल क्लिक कर दें और आप जहां भी चाहिए वहां पे पेस्ट करते चले जाएं। समझ गए? बिल्कुल क्लियर है?